हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वसुस पैराडाइज। आज ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पे हम बनाने जा रहे हैं कुछ मीठा। सो हम बनाने जा रहे हैं खीर सेवैया की। सो हमने ली है 100 ग्राम सेवैया, थोड़े से काजू, बादाम, किशमिश और चीनी जो कि हम खीर में डालेंगे, और ये हमारे पास देसी घी और दूध। ठीक है, तो हम तैयारी करते हैं। हम इसमें पहले जो है अपने जो नट्स हैं वो भून लेंगे घी में थोड़ा सा। सो लेट अस भूनो द सारे के सारे जो हमारे ये हैं। पहले हम लोग किशमिश को भून लेते हैं, भून के इसको निकाल देंगे, फिर थोड़ा देसी घी में भून लेते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से भुन रहे हैं, देसी घी में। इनके भुनने के बाद जब हम इसको खीर में डालेंगे ना, तो इनकी खुशबू ही अलग हो जाएगी। ये जो भुनने के बाद जो है एकदम अंगूर जैसे हो जाते हैं। ये देखिए, अब हम ये निकाल लेते हैं। अब हम डालेंगे इसमें ये साथ के साथ ही थोड़े जो बादाम है वो डाल लेते हैं। बादाम भून लेंगे, काजू भून लेंगे, बादाम और काजू को एक साथ ही भून लेते हैं। ये देखिए, हमने काजू और बादाम जो है वो निकाल लिए हैं, भून लिए अच्छे से। काजू बादाम की भी खुशबू आ रही है। अब इसमें हल्का सा और घी डाल देते हैं ताकि ये जो हमारी सेवइयां हैं ये हम भून लें इसमें। ये देखिए, ये गई सेवइयां, भून लेंगे सेवइयों को अच्छे से। आंच को थोड़ा धीमी ही रखें, बिकॉज आंच तेज करेंगे तो वो जल जाएंगे। ये भुन रही हैं, हल्की सी तेज कर देती हूं मैं आंच गैस की। ये ऑलरेडी मैंने सेवइयां जो है वो भुनी हुई ली हैं, जो फ्राइड सेवइयां भी आती हैं मार्केट में। अब हम फ्रेंड्स इसमें डालेंगे चीनी, लगभग मैं आपको बताती हूँ कितनी। अब हम दोस्तों इसमें डालते हैं लगभग 1.5 कटोरी चीनी। इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, चीनी इसमें घुल रही है, और इसके साथ ही हम डाल देते हैं ये घर पे कूटी हुई इलायची का पाउडर। सिर्फ इलायची के दाने लेने हैं, इलायची का छिलका नहीं लेना है। 3-4 इलायचियों के दाने लेके उनको कूट दीजिए। इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। ये देखिए, ये गया दूध, ये जा रहा है। अभी और दूध डालेंगे, बिकॉज दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाता तो तभी खीर अच्छी बनेगी। दूध इसमें थोड़ा ज्यादा जाएगा। ये करीबन 1 लीटर दूध डाल दिया है हमने इसमें, और इसको हिलाते रहें जब तक ये पूरी तरीके से गाढ़ा हो जाए। ये देखिए, खीर हमारी जो है एकदम गाढ़ी हो गई है। इसका जो ऑलमोस्ट हमने 1 लीटर दूध डाला था वो आधा हो गया है, और ये देखिए सेवइयां भी पूरी फूल के आई हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो घी में रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स थे, वो पहले इसलिए नहीं डाले क्योंकि फिर वो पूरे उसमें घुलते मिलते नहीं है और नरम पड़ जाते हैं एकदम। काजू तो खासकर नरम पड़ जाते हैं। ये देखिए, ये हो गई है खीर। इसको मैंने सिम पे कर दिया है, तब तक मैं थोड़ा तेज आंच पे ही रखा था।
अब ये जो पक रही है खीर, इसको थोड़ा 2 मिनट के लिए हम लोग जो है तेज आंच पे कर देते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स अभी डाले हैं हम लोगों ने। पकने दीजिए इसको 2 मिनट के लिए। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स अच्छे से इसमें बॉईल हो गए हैं। अब हम इसमें इसकी गैस बंद कर देते हैं और इसमें ये पिस्ता डाल देते हैं। ये गया पिस्ता और ये बन गई हमारी खीर। थोड़ी ठंडी हो जाएगी, उसके बाद आप इसको सर्व करें, नहीं तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। थोड़ा और ठंडी हो जाएगी तो अच्छे से ठंडी ठंडी खीर खा सकते हैं। जिनको गरम पसंद है वो गरम खाएं। जे कुटुंब छू मारा सारनी मुबारक। आज ये जो दिन है, आज ज्येष्ठ अष्टमी का, इसके सबको मुबारकबाद। और आज के दिन हम लोग माता खीर भवानी जाते हैं, जो है हम लोग वहाँ पे पूजा करते हैं। ये सबको, सब मोस्टली कश्मीरी लोगों को पता ही होगा, या जम्मू में जितने भी लोग हैं वो सब, उनको सबको पता होगा। आज माता खीर भवानी की पूजा होती है वहाँ। सो बहुत लोगों का फास्ट होता है आज, जो कि ज्येष्ठ अष्टमी पर, हर अष्टमी पर यूजुअली लोग फास्ट रखते हैं। सो ये ज्येष्ठ अष्टमी सबसे बड़ी अष्टमी मानी जाती है। सो हमने भी एक खीर बनाई है आज माता को भोग लगाने के लिए। तो आप अपने घर में बनाएं, मुझे बताएं ये खीर आपको कैसी लगी। और प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में लिखें आपको अच्छा लगा या कैसा लगा ये बनाकर। और मुझे उसकी जो टेस्ट है वो आप कमेंट्स में लिखकर ही बता सकते हैं।